कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। अब तक 17 देशों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। पुर्तगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 13 कंफर्म्ड मरीज मिले। स्पेन भाग रहे नेदरलैंड के 2 संक्रमित विमान से गिरफ्तार किए गए। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इसराइल में भी ओमिक्रॉन वेरियंट ने अपने पैर पसारे हैं। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कैनेडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इन तमाम मुल्कों ने एहतियाती कदम उठाते हुए साउथ अफ्रीका से सारी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है और अपने मुल्क में भी तमाम तरह की पाबंदियां तामील कर दी गई। भारत के महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आहट दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र में भिवंडी के वृद्धाश्रम में कोरोना विस्फोट हुआ है। भिवंडी के वृद्धाश्रम में 69 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। दोनों डोज ले चुके 69 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। वैक्सीनेटेड होने से किसी भी बुजुर्गों की हालात फिलहाल गंभीर नहीं है, लेकिन 69 मरीज मिले हैं कोरोना के। सभी 69 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भिवंडी के वृद्धा आश्रम के 7 अन्य लोग भी कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच मुंबई से डराने वाले आंकड़े। 15 दिन में अफ्रीकी देश से मुंबई पहुंचे 1000 यात्री। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बीएमसी को सौंपी 466 लोगों की लिस्ट। 466 लोगों में से मुंबई में रह रहे 100 लोगों का लिया गया सैंपल और सीधे इसको प्ले ऑन करें। मुंबई से ये सबसे कंसर्निंग ट्रेंड हमारे सामने है, वो ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों ने 1000 लोग आए हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो बड़ा तेजी से है। 1000 लोगों में से सिर्फ 466 लोगों की लिस्ट बीएमसी को दी गई है। 466 लोगों की लिस्ट में से अब तक मुंबई में रह रहे 100 लोगों के सैंपल लिए गए हैं।